आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। 2000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए ट्रैफिक पुलिस अधिकारी। दरअसल सोलापुर शहर वातुक शाखा उत्तर के पुलिस उपनिरीक्षक श्रीकांत जाधव अक्सर शहर में अपनी बाइक से रास्तों पर आने जाने वाले गाड़ियों को रोक सख्ती से कार्रवाई करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन बीते मंगलवार 10 अक्टूबर 2023 की दोपहर जोड़बसौना चौक में एक बाइक पर ट्रिपल सीट जा रहे लोगों को रोक बाइक को जेल रोड पुलिस थाने यानी वातुक शाखा में ले जाकर जमा किया, जहां गाड़ी छुड़वाने के लिए उन लोगों से 2700 रुपये का फाइन मांगा। लेकिन आज गुरुवार 12 अक्टूबर 2023 को अपनी गाड़ी छुड़ाने आए लोगों के पास से ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने 2700 रुपये लेकर 500 रुपये और 200 रुपये का ऑनलाइन फाइन कर 2000 रुपये अपने पास रख लिए। तभी एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपना जाल बिछाकर ट्रैफिक पुलिस उपनिरीक्षक जाधव को रंगे हाथों पकड़ लिया। ट्रैफिक पुलिस उपनिरीक्षक श्रीकांत जाधव पर भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 के एक्ट 7 के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। इस कार्रवाई को वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में सोलापुर एंटी करप्शन ब्यूरो के यूनिट ने मिलकर अंजाम दिया है और साथ ही नागरिकों से अपील की है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी आपसे रिश्वत मांगे तो टोल फ्री नंबर 1068 या फिर 02172312668 नंबर पर संपर्क करें।